हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको को बता चुका है कि फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट कैसे बनाना है और फ़ोन पे से क्यूआर कोड कैसे ऑर्डर करना है। अगर आपने अभी तक फ़ोन पे मर्चेंट अकाउंट वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ़ोन पे मर्चेंट अकाउंट बनाया जाता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से फ़ोन पे से क्यूआर कोड ऑर्डर किया जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ोन पे मर्चेंट अकाउंट को कैसे मैनेज करें, कैसे इस्तेमाल करें और उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट ओपन करेंगे। जैसे ये ओपन होगा तो यहाँ देखिए, आप यहां पर अपना क्यूआर कोड देख सकते हैं, शो क्यूआर कोड। और अब यदि आपके पास क्यूआर कोड नहीं है दुकान पे लगा हुआ तो आप यहां से अपना क्यूआर कोड से पेमेंट ले सकते हैं। यहां आप खाता में एंट्री और उधार खाता या फिर जो भी क्रेडिट या डेबिट कर सकते हैं। आप यहां से होम डिलीवरी के लिए इनेबल कर सकते हैं। आप यहां से अपना इनेबल फ़ोनपे ATM कर सकते हैं, जिससे आपके जो नज़दीक में कस्टमर होंगे वो अगर यहाँ आकर के आप देख सकते हैं, वन यू इनेबल दिस सर्विस नियर बाई कस्टमर विल योर स्टोर एज ए फ़ोनपे ATM इन द स्टोर सेक्शन ऑन द फ़ोनपे ऐप। और वो आपके के फ़ोनपे ऐप पर देखेंगे कि फ़ोनपे से पैसे निकाला जाता है। इसको इनेबल करने के लिए आप कुछ नहीं, यहाँ एक्सेप्ट करना है और इनेबल फ़ोनपे ATM पर क्लिक कर देना है। बाकी डिटेल के लिए आप यहाँ वीडियो देख सकते हैं किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। और हिस्ट्री देखने के लिए जैसे आज का जो पेमेंट है टुडे देख सकते हैं। और यदि आपको यस्टरडे का देखना है या 7 days या लास्ट 14 days या लास्ट 30 days के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो भी पेमेंट आपके पास रिसीव होगा वो यहीं पे होगा, जिस तरह से आपको दिखाता हूँ यस्टरडे का। यस्टरडे में जाएंगे, देखिए यहाँ पर 28 रुपये पेमेंट रिसीव होया हुआ है और किसके द्वारा, ये पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ आप स्टोर पे जाएंगे, यहाँ आप अपना स्टोर अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास क्या आइटम है क्या नहीं है उसके बारे में आप डाल सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी के लिए। और यहाँ पे आप अपना ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर न्यू ऑफ़र पर क्रिएट करेंगे और परसेंटेज डिस्काउंट या फ्लैट प्राइस पर क्रिएट क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना मैनेज क्यूआर कोड, अपना क्यू आर कोड मैनेज कर सकते हैं। मैनेज क्यू आर कोड जाने के लिए इस तरह क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना व्यू क्यू आर कोड क्लिक, आप यहाँ पर आकर के अपना फ़ोनपे क्यू आर कोड डाउनलोड कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा अगर कोई आपके दुकान में बैठता है तो आप यहाँ पर ऐड नोटिफिकेशन रिसीवर पर उसका नंबर ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना क्यू आर कोड ऑर्डर भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से क्यू आर कोड ऑर्डर करना है। उसके बाद आप रिव्यू इन फ़ोन पे अपना फ़ोन पे बिजनेस अकाउंट फ़ोन पे में देख भी सकते हैं। और यहाँ से आप अपना स्टोर का डिटेल जो है एडिट भी कर सकते हैं, जैसे आपका टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, आपका दुकान का नाम क्या है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और बाकी इधर आने के बाद आप यहाँ पे अपना मैनेज जो है स्टाफ मैनेज कर सकते हैं। आप यहां आकर के अपने स्टाफ का रोल मैनेज कर सकते हैं, वो क्या कर सकता है, जैसे यहां पर उसको ऐड कर सकते हैं, उसका नाम रोल वो क्या रहेगा, एजेंट रहेगा, फाइन ऑप्स रहेगा, मैनेजर रहेगा या एजेंट प्लस रहेगा, यहां से सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। उसका फ़ोन नंबर और ऑफिशियल ईमेल आईडी डाल के उसको इन्वाइट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे वो भी आपका फ़ोनपे में कुछ रोल निभा सकेगा, जैसे वो उनकी पेमेंट को देख सकता है, रिसीव कर सकता है। और यहाँ पर बिजनेस डिटेल आप डाल सकते हैं, अपना मोबाइल देख सकते हैं, मोबाइल नंबर हो गया और एड्रेस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, दुकान का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आपका क्या है, आपके दुकान में क्या मिलता है, क्या बिकता है, वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू अपडेट के साथ यहाँ पर KYC वेरीफिकेशन करवा सकते हैं और सेटिंग में जा करके आप अपना सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ जैसे इंग्लिश है, आपको किस लैंग्वेज में इस्तेमाल करना आसान है वो लैंग्वेज चूज़ करके यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन, अब जिस आपका मोबाइल इंटरनेट चालू है लेकिन लॉक है, उस स्क्रीन पर नोटिफिकेशन किस तरह से आता है हम आपको दिखाते हैं।
आपका स्क्रीन लॉक रहेगा तो इस तरह से आपके लॉक स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि आपने इतना पेमेंट रिसीव किया है। और इसमें आप यहां से वॉइस नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और ऑफ़ कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन एसएमएस जो होगा इसे आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा और यहां से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।